अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हाई ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में किस किस तरह के एरर्स आ सकते हैं और उनका हल क्या है। तो जनाब, ये रहे एरर्स जो कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही कुछ वो मशीनें जिनमें ये एरर्स आ सकते हैं। ईवन एरर आपको तब नज़र आएगा जब पानी का जो इखराज है वो मशीन से अच्छे से नहीं हो रहा है। जो मशीन का पीछे पाइप है, अगर उससे पानी नहीं निकल रहा है तो E1 का एरर आता है। और इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, जब अगर आपने उसको ड्रेन होल में फिट किया हुआ है, हो सकता है कि वो ड्रेन होल जो है वो ब्लॉक हो गया हो, पानी आगे ना जा रहा हो, या पाइप में कोई ऐसी चीज़ फंस गई हो जिसकी वजह से पानी अच्छे से नहीं निकल रहा है मशीन से, तो E1 का एरर आएगा। और आपने इसको किस तरह से ठीक करना है, इसको आप खुद ठीक कर सकते हैं, टेक्निकल को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने जो मेन प्लग है उसको स्विच ऑफ कर देना है, और उसके बाद आपने चेक कर लेना है कि जो ड्रेन होल है अगर वो ब्लॉक है तो उसको क्लियर कर दें, उसको साफ करें, और अगर पाइप के अंदर कोई चीज़ फंसी हुई है उसको क्लियर करें। तो इस तरह से आपका E1 जो एरर है वो ख़त्म हो जाएगा। और अभी हम बात कर लेंगे E2 एरर की। E2 एरर आपकी मशीन जाहिर कर रही है तो वो इस तरह से होगा उसका लोगो, और उसकी वजूहत क्या हो सकती हैं। उसकी वजूहत ये हो सकती है कि जब आप सेटिंग कर रहे थे, जिस तरह से हम सब सेटिंग करते हैं, तो वो सेटिंग करते वक्त जो है वो आपका जो टॉप है वो अच्छे से बंद नहीं हुआ, जो उसका लिड है वो अच्छे से बंद नहीं हुआ, तो E2 का एरर आएगा। और फ्रेंड्स, बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो लेमिनेशन शीट होती है वो भी उस लिड के दरमियान में आ जाती है, लॉक और लिड के दरमियान में, तो जिसकी वजह से जो है वो अच्छे से जो है लिड कवर नहीं होता है और आपको E2 का एरर नज़र आता है। तो इसको आपने कैसे ठीक करना है, आपने सिंपली कवर को अच्छे से बंद कर देना है, लिड को अच्छे से बंद करना है। अगर बीच में कोई लेमिनेशन शीट या कोई कपड़ा या कोई ऐसी चीज़ आ रही है तो उसको भी आप क्लियर करके बंद कर देंगे, तो आपका E2 का एरर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और अब बात कर लेते हैं E3 एरर की, जो कि इस तरह से नज़र आएगा। और E3 एरर की वजूहात क्या हो सकती हैं, जब आपकी मशीन जो है वो स्पिनिंग मोड पे जाए, कपड़ों को स्पिन करने लगे, और वहाँ पर ये E3 एरर आता है। E3 एरर में क्या होता है कि आपके कपड़े जो है वो स्पिन नहीं होते, और E3 एरर को आपने किस तरह से ठीक करना है, इसकी वजह ये है कि जो कपड़े हैं मशीन में वो अच्छे से इक्वल नहीं पड़े हुए, बेतरतीब हैं, वज़न कम ज़्यादा है, एक जगह पे नहीं है। तो उसको आपने किस तरह से ठीक करना है, मशीन को आपने स्टॉप करना है और आपने कपड़ों को एहतियात से हाथ के साथ जो है वो बैलेंस कर देना है और दोबारा से आपने उसको स्टार्ट करना है, तो E3 एरर भी आपका ख़त्म हो जाएगा। और एक और चीज़, अगर आपकी मशीन जो है वो हमवार नहीं पड़ी हुई है, ऊपर नीचे है, बैलेंस में नहीं है, तब भी E3 का एरर आएगा। इसलिए फ्रेंड्स, हमेशा अपनी मशीन को हमेशा हमवार सतह पर रखें और डायरेक्ट उसको फर्श पे रखें। आपने उसको किसी स्टूल या चौकी टाइप जो चीज़ें मिलती हैं उनके ऊपर नहीं रखना है। इससे क्या होता है कि मशीन को झटका लगने का खतरा होता है, मशीन अपनी जगह से हिल सकती है, तो इसलिए उसको हमेशा फर्श पे रखें और इस तरह वो हमवार रहेगी। और कोशिश करें जहाँ पर उसको रखें वो जो लेवल है वो बराबर होना चाहिए। और फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे एरर नंबर 4 की, E4 एरर, जो कि इस तरह से नज़र आता है। E4 एरर जो है उसकी वजह ये है कि अगर पानी भरने का अमल जो है वो स्लो है, मशीन में पानी या तो स्लो भर रहा है या नहीं भर रहा है, मशीन में पानी अगर नहीं आ रहा है तो E4 जो है वो एरर आपको डिस्प्ले होगा। तो इसकी वजूहत क्या हो सकती हैं कि पहले आपने चेक करना है कि क्या पानी का जो टैप है वो खुला है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि टैप हम खोलना भूल जाते हैं, तो उसको आपने चेक कर लेना है। और ये भी चेक कर लें कि क्या पीछे से पानी आ रहा है, ये भी हो सकता है टैप खुला हो और पीछे से पानी ना आ रहा हो, तब भी E4 का एरर आता है। और एक और वजह हो सकती है, क्या जो इनलेट वॉल्व है वो तो ब्लॉक नहीं हो गया, उसके अंदर जाली लगी होती है, फिल्टर होता है, उसको साफ़ करने का तरीका और चेक करने का तरीका जो है वो मैंने आपको बताया था, और मैं आई बटन दे रही हूँ, उसमें आप चेक कर लीजिएगा। अगर इनलेट वॉल्व ब्लॉक है तो उसको आप क्लियर करें, और अगर पानी का बहाव बहुत ज़्यादा कम है और मशीन तक नहीं जा रहा तो उसको भी आप चेक कर लें। उस सूरत में आप, अगर टॉप लोड है तो बहुत आसानी है, आप ऊपर से भी पानी उसमें डाल सकते हैं। तो ठीक करने का तरीका यही है कि आपने नल को खोलना है, अच्छे से चेक कर लेना है कि खुला हुआ है, उसके बाद आपने एक दफ़ा मशीन का स्टार्ट बटन दबाना है तो आपका E4 जो एरर है वो चला जाएगा। और इनलेट वॉल्व को भी आपने साफ़ करना है, और कोशिश किया करें हफ्ते बाद, महीने बाद जो उसका वॉल्व है उसको चेक कर लिया करें, उसको साफ़ किया करें, इससे E4 का एरर नहीं आएगा। और अगर पानी का प्रेशर कम है तो या तो आप थोड़ी देर के बाद आप उसको यूज़ करें, या फिर आप बाल्टी के साथ भी पानी डाल सकते हैं, लेकिन एहतियात से। तो ये तो हो गया E4 एरर।
अब जो एरर है वो है E6, जो कि इस तरह से नजर आता है। और फ्रेंड्स, इसकी वजह जो है वो टेक्निकल फॉल्ट है। अगर आपकी मशीन आपको E6 का एरर दिखा रही है, तो इसका मतलब ये है इसके अंदर एक सेंसर होता है जो कि पानी के लेवल को बरकरार रखता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप वन टच के साथ जब इसको स्टार्ट करते हैं, फुजी में जब आप फंक्शन कर रहे होते हैं, तो ये अपनी मर्जी से पानी का लेवल रखता है। कपड़ों के वजन से ये हिसाब लगा लेता है कि इसको कितना पानी लेना है। लेकिन अगर वो इसका सेंसर खराब हो जाए, तो फिर ये आपको E6 का एरर दिखाएगा और इसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं। आपने रابطہ करना है कस्टमर सर्विसेज से, रابطہ करें और टेक्निकल स्टाफ ही इसको ठीक कर सकेगा। और अब बात करेंगे E8 एरर के हवाले से, जो कि इस तरह से नजर आएगा। और फ्रेंड्स, E8 जो एरर है वो चंद मखसूस मशीनें हैं जिनके अंदर होता है, और ये रही वो मशीन, ये रही वो तीन मशीनें जिनके अंदर E8 का एरर आता है। फ्रेंड्स, अगर E8 का एरर आए तो क्या वजूहत हो सकती हैं, सबसे पहले तो ये आप नोट डाउन कर लें। सबसे पहले, डोर लॉक अगर ख़राब हो जाए आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का, तब भी E8 का एरर आएगा। नंबर 2, डोर लॉक की फिटिंग का मसला हो, तब भी E8 का एरर आता है, अगर वो अच्छे से फिटिंग ना हो रही हो। और अगर डोर लॉक के कनेक्शन उतर जाए, तब भी ये मसला आता है। अगर डोर लॉक के बंद होने में लेमिनेशन जो है वो अगर बीच में आ जाए, तब भी E8 का मसला आता है। इसको आप ठीक कर सकते हैं खुद से। ऊपर वाले जो तीन मसले हैं, उनके लिए आपको जो है वो टेक्निकल स्टाफ को ही बुलाना पड़ेगा, वही इसको चेक करेंगे। अब हम लास्ट में बात कर लेंगे एरर E9 की। अगर एरर E9 डिस्प्ले पे जाहिर हो रहा है, जो कि ऐसे होगा, तो इसकी क्या वजूहात है? नंबर 1, इसका वायर यूनिट जो है वो खराब हो गया है। इसका वायर यूनिट जो है वो टूटा हुआ है या टूट गया है, या फिर इसके वायर यूनिट के जो कनेक्शन है वो उतरे हुए हैं। ये आप खुद से ठीक नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई मसला हो, तब भी आपने सर्विस सेंटर से रब्ता करना है। होपफुली फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, आपको समझ आ गई होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है मेरी इस एफर्ट को, तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बहुत सी वीडियोस जो है वो बना चुकी हूँ ऑलरेडी, और मुख्तलिफ फंक्शंस के हवाले से उनको किस तरह से यूज़ करना है, कौन कौन से फीचर्स होते हैं, और आपके सवालों पर सारी वीडियोज़ जो है वो बनाई जाती हैं। एक बहुत लंबी अभी मेरे पास लिस्ट है, जो कि मैंने वीडियो अभी बनानी है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारे वीडियोज़ जो है वो मिस ना हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।